गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड आपका डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर सेकंड जो है बेटा ये है क्या, इसमें होल नंबर्स चैप्टर नंबर सेकंड जिसमें हम जिसके बारे में जानने वाले जिस पॉइंट के बारे में वो है क्या होल नंबर्स। होल नंबर एग्जैक्टली होता क्या, द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग द जीरो। बेटा नेचुरल नंबर्स आप जानते हो जितने भी काउंटिंग ऑल काउंटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं, मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं स्टार्ट फ्रॉम वन, वन से स्टार्ट होने वाले जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लाइक दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट्स वन, यानी जितने भी नंबर्स हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। सेम है उसी में अगर हम जीरो एड कर लेते हैं इंक्लूड कर लेते हैं तो वो टोटल सेट ऑफ नंबर्स होल नंबर हो जाता है। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर लेते हैं तो जो सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म होता है वो होल नंबर हो जाता है। नेचुरल नंबर आप जानते हो जो नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है ये होता है एन इक्वल टू, इसमें हम कई सारे नंबर्स राइट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे नंबर होंगे। ये तो सम एलिमेंट हमने उसके राइट किए, सम कंपोनेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। बट अब बात आती है सर होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है इंक्लूडिंग द जीरो, इसमें जीरो इंक्लूड कर दो बस और कुछ नहीं, सारा नेचुरल नंबर ही होता है, केवल इसमें क्या होता है जीरो आ जाता है। ठीक है, जीरो इंक्रीज। अब बेटा जीरो क्या होता है, जीरो मीन्स नथिंग। नंबर में अगर बात करें जीरो के क्या वैल्यू होती है तो जीरो मीन्स नथिंग, बट इसको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। लेट्स से हम कभी बताते हैं सर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और जीरो डिग्री सेल्सियस। अगर अब बात कर लो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, जीरो डिग्री सेल्सियस, यानी पानी कब जम जाता है जब उसका टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जीरो मीन्स नथिंग होता है, बट यहाँ पे हम इसको कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। कह रहे हैं सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस इन ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय जीरो। अगर कभी आपको नहीं ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट। ओके, नो लॉस नो प्रॉफिट मीन जीरो। ये सब जीरो को रिप्रेजेंट करने या जीरो को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर आपको समझ में आई बातें, होल नंबर क्या होती है, कह रहा होल नंबर कंप्राइज जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर और जीरो दोनों को सब एक साथ इंक्लूड कर लेते हैं तो वही होल नंबर हो जाता है। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में जो दिया गया है पे जंप स्टार्ट करके इसको चेक कर लेते हैं। जंप स्टार्ट एक प्रकार का रिव्यू होता है, इससे पहले आप जो स्टडी किए हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन या प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। ठीक है, लेट्स से पॉइंट नंबर वन की बात करें, कंप्लीट द नंबर सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, इन नंबर सेंटेंसेस के जो स्पेस ब्लैंक हैं, ब्लैंक स्पेसेस हैं, उनको फिल करना है। तो बेटा आप देख पा रहे हो ये 25 प्लस वाट इज इक्वल टू 56 प्लस वाट। इन्होंने क्या ऐसा आस्क किया है कि 25 में क्या 31 यस, तो जो दोनों में मिस कर रही है जो वैल्यू उसी को हम फिल कर देंगे। यहाँ पे अगर हम 25 है यहाँ पे 56 है, यानी एक अनदर वैल्यू यहाँ 56 लाई कर रही तो यहाँ 56 फिल कर लो। ओके, अब इन्होंने कहा सर यहाँ 56 लाई कर रहा है तो यहाँ 25 होना चाहिए, तभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट मीन्स बैलेंस हो जाएगा। अब दोनों बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए, दोनों को ऐड करने पे सेम आ जाएगा और ये कम्यूटेटिव फॉलो कर रहे हैं। कौन सा ला, कम्यूटेटिव ला है ना, कम्यूटेटिव ला। यस, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बात आती है पॉइंट नंबर बी की, 100 मल्टीप्लाइड बाई वाट इज इक्वल टू 100, यानी 100 में किससे मल्टीप्लाइड किया जाए कि 100 ही आ जाए, नंबर पे इफेक्ट ना पड़े। यस, व्हाट इज आंसर, वन। सारे लोग बोला कीजिए, इसमें बी नंबर में अगर 100 की बात करें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 100 को, कि 100 ही हो जाए 1 से। 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 100, बिकॉज 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू व्हाट, 1।
अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो क्वेश्चन आता है वन आता है. इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय इटसेल्फ, ठीक है, वी विल गेट वन एज अ क्वेश्चन. तो आपका पॉइंट नंबर वन क्लियर ही हो गया है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड की बात करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑन द नंबर लाइन. अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑन द नंबर लाइन, बेटा आपको ऐड करना है तो ठीक है, आप जानते हो फॉरवर्ड जंप करते हैं बैक नंबर लाइन पे. अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो बैकवर्ड जंप करते हैं नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स से पॉइंट नंबर एक की बात कर लें. इसमें दिया क्या गया है, एडिशन प्रॉब्लम दिया गया है 3+4. आपको क्या करना है, देखिए इस नंबर लाइन की बात कर लें 3+4. भाई 3+4 यू हैव टू टेक थ्री जंप्स ऑफ फोर स्टेप्स, थ्री जंप्स ऑफ फोर स्टेप, यही तो. नो सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. नहीं, ये मल्टीप्लाई में होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया. यहाँ पे क्या करना, 3+4 ये होता है. तो 3+4 पहले आप जनरली जीरो से स्टार्ट किया जाता है, या आप थ्री से स्टार्ट करें. यस, थ्री से स्टार्ट करेंगे. इसमें प्लस कितना करना है, फोर. तो हम क्या करते हैं, इसमें फोर फॉरवर्ड जंप करते हैं, फोर स्टेप का फॉरवर्ड जंप करेंगे. फोर स्टेप का फॉरवर्ड जंप यहीं से स्टार्ट कीजिए भाई, 1, 2, 3, 4. हम कहां रीच कर जाते हैं, एट 7, ऑन 7, ठीक है. यानी 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 3+4 इसको क्या आएगा, 7. ठीक है. Yes. बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए. तो सब्ट्रैक्शन में आप जानते हो बैकवर्ड जंप होता है. आप क्या करना, 9-4 करना है. तो 9 है कहाँ पे, ऑन द नंबर लाइन. यहाँ पे 9 होता है, 9 ये है. अब इसमें बैकवर्ड जंप आपको शो करना है कितने, 4 स्टेप का बैकवर्ड जंप. 4 स्टेप का बैकवर्ड जंप यहाँ से टेक करते हैं, 1, 2, 3, 4. ये हो गया 4 स्टेप का बैकवर्ड. चलिए पॉइंट नंबर सी की बात करेंगे. इन्होंने कहा इसमें 2+5-4. सबसे पहले हम 2 की बात करेंगे. 2 है तो नंबर 9 पे ये 2 है, तो होता क्या है, यहाँ है 2. अभी हमें इसमें प्लस करना है 5. तो प्लस करने के लिए फॉरवर्ड जंप, यहाँ से हम 5 स्टेप करेंगे. फॉरवर्ड जंप 5 स्टेप, 1, 2, 3, 4, 5. रीच ऑन 7 on jumping 5 step forward, okay? यहाँ पे skip करते हैं 5 step forward, उस 7 पे पहुंच जाते हैं. लेकिन इसमें से माइनस करना है 4, तो फिर यहाँ से बैकवर्ड जंप स्टार्ट करूंगा. 1, 2, 3, 4 स्टेप का बैकवर्ड जंप करेंगे और यहाँ से हम रीच कर जाएंगे एट 3. ओके, यानी 3 पर आ जाएंगे. सो आंसर आ जाएगा इसका 3. एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, 3. ओके बेटा, तो ये आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. यस सर. यस सर.
चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें आपका दिया गया है नॉटिक व्हाट यू ऑलरेडी नो, यानी आप क्या जान चुके हो, तो वो सब चीजें बात की बात है। नेचुरल नंबर सबसे फर्स्ट वन इज आपका जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आपको पता है ना क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर वन से लेकर सर एकदम लास्ट तक अनंत तक इनफिनाइट। कहने का मतलब ये है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वन। ओके स्टार्ट फ्रॉम वन यानी आप जानते हो इस वन से लेकर जितने नंबर होते हैं सब सारे नेचुरल होते हैं। अब कोई पूछता सर कितने नेचुरल नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है यस सर। काउंटिंग नंबर इनफाइनाइट होते हैं ना, आप केवल बता तो नहीं सकते सर इतने काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इट मींस नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। मतलब जिसको हम बता ही नहीं सकते, कोई लिमिटलेस होता है। ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया नेचुरल नंबर का सेट, इन्होंने भी वही दिखाया कि किस तरह से नेचुरल नंबर जो है वो ऑल काउंटिंग नंबर्स को डिनोट कर लिया जाता है, सॉरी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो वहां पे नेचुरल नंबर वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और इन्होंने कहा द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन, इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल नंबर को। ठीक है बेटा, इन्होंने पूछा है व्हाट आर द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। बेटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है आप बताइए। सो वन वन सर वन 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 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है सर? नाइन। रॉन्ग आंसर, नाइन नाइन से बड़ा नेचुरल नंबर नहीं है। नो सर अनंत। सर कह सकते हैं सर नॉट डिफाइंड, कह नहीं सकते हैं सर नॉट डिफाइंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो हम बता ही नहीं सकते सर कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना नॉट डिफाइंड। यहाँ पे तो वन हो जाएगा बट यहाँ पे नॉट डिफाइंड। ओके यस सर। अब बात आती सर प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर की, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर आप लोगों ने पढ़ा था। यस सर ये भी इसको सिखा था, फोर्थ में भी सीखे हैं, वही चीजें यहाँ भी रिपीट कर रहे हैं। प्रेडिसेसर मीन्स क्या होता है, नंबर माइनस वन। अगर जब भी कभी बात की जाएगी प्रेडिसेसर की, प्रेडिसेसर नंबर माइनस वन, बेटा जी नंबर माइनस वन ये प्रेडिसेसर होता है, नंबर माइनस वन। सक्सेसर कोई पूछता है सर सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं, तो सक्सेसर इज इक्वल टू नंबर प्लस वन। किसी भी नंबर का अगर सक्सेसर फाइंड करना है तो उस नंबर में प्लस वन कर दीजिए, अगर उसी नंबर का प्रेडिसेसर फाइंड करना है तो उसमें माइनस वन कर देते हैं। ठीक है यस।
यस देखिए इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर दैट एंड पे 0, 2, 4, 6 और 8 इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके लास्ट के डिजिट जो होते हैं 0 हो, 2 हो, या 4 हो, 6 हो और 8 हो, यानी इसमें से कुछ भी होता है तो वो इवन होता है। जिसके जिस नंबर के लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं वो आपके जो नंबर्स होते हैं इवन होते हैं। ठीक है? यस सर। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नंबर दैट एंड विथ 0 ऑड, भाई ऑड नेचुरल नंबर्स कह रहे हैं, नंबर दैट एंड विथ 1, 3, 5, 7 और 9 ऐसे नंबर्स जिसके जो लास्ट डिजिट यानी जो ऐसे नंबर जो 1, 3, 5, 7 और 9 से एंड होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है? अब एग्जांपल की बात करो तो इसमें इवन एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो, सर 10 कैसा नंबर है, इवन है बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 0 है। सर आप कह रहे हैं सर 22 कैसा है, इवन है बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 2 है। सर आप कह रहे हैं सर 44 कैसा है, इवन है बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 4 है। आप कह रहे हो सर 36 कैसा है, इवन है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 6 है। आप कह रहे हो सर 38 कैसा है, इवन है लास्ट डिजिट इसका 8 है। ये सारे इवन होंगे। ऑड की बात करें ऑड क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट जिनके ये हो यानी 31 कह रहे हैं कह लें तो इसका लास्ट डिजिट 1 है, 55 कर लें इसका लास्ट डिजिट 5 है, 43 कर लें तो इसका लास्ट डिजिट 3 है, 67 कर लें तो इसका लास्ट डिजिट 7 है, ऐसे करके हो जाएगा। 59 कर लें, 29 कर लें, समथिंग ऑड हो जाता है। ओके? यस 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 बेटा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। इन्होंने कहा काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इसमें डू इट योरसेल्फ करके दिया गया है, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो कितने ट्रायंगल्स हैं आप लोग भी काउंट कीजिए। अगर बात करें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की तो कितने इसमें ऐसे ट्रायंगल्स हैं, 10 सर 18 यस बेटा। आप देखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, हम चलिए चेक करते हैं। ओके सर 22 मे बी। चलिए हम काउंट करते हैं, पहले सिंगल सिंगल वाले को काउंट करेंगे। 1 हो गया, 2 ये 3 हो गया, ये 4, 5, 6, 7 ये टोटल इसमें तो फिर प्रॉब्लम है। लार्ज वाला 8, 18, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अब बात आती है डबल ट्राइंगल जो जिसमें छिपे हुए ट्राइंगल्स जो हैं। अभी हमने कितने 16 ट्राइंगल सर्च किए, 16 आफ्टर दैट सर ये आपने काउंट नहीं किया, 18 हो गया सर, आपने इसको नहीं काउंट किया,
ये 19 हो गए, ये 20 हो गए, और ये वाले आपके 21 हो गया। इसी में एक ट्राइंगल 22 है। एग्जैक्टली इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं? यस 22 सर, 22 16 17। ओके आप लोग ट्राई कीजिएगा, 22 ही है इसमें। तो चलिए हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। इट हैज 22 ट्राइंगल्स। पॉइंट नंबर K1 है आपका, इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल नंबर्स। बेटा इसमें से दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल 9 एंड इसमें 9 एंड 9 9 और सर डी डी बेटा ए एंड सर 9 भी नेचुरल नंबर है, वो भी 8,1928, ये भी आपका नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। एंड डी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल नंबर्स, ए एंड डी बोथ। जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, 9.3 एक नेचुरल नंबर नहीं होता, ये एक डेसिमल नंबर है। के टू की बात कर लें, व्हिच इज द लीस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? One. What symbol or letter is used to represent natural numbers? Natural number M, capital M. Sir. Capital M. Okay. Capital M. Yes, beta. Capital N का use करते हैं। तो आप लोग भी करेंगे ना? यहाँ पे आप जान तो इसका आंसर हो जाएगा। Yes, sir. इसका आंसर one. One. A और D. A और D. इसमें capital N. What is the last or what number will be the natural numbers in? Sir, in the... Today, what is the last number or what number will the natural numbers in? Sir, infinite. It's the infinite, yes, infinite. बेटा इसमें नेचुरल नंबर की बात किया गया तो आप जानते हो नेचुरल नंबर तो 9 तक होता नहीं है, इसमें काउंटिंग सारे काउंटिंग नंबर आ जाते हैं। व्हाट इज द लास्ट नंबर और एट व्हाट नंबर विल द नेचुरल नंबर एंड्स, नॉट डिफाइंड, यानी इसको हम कह नहीं सकते सर कहाँ पे होगा, नॉट डिफाइंड। पॉइंट नंबर S1 की, सॉरी यस पॉइंट नंबर S1 की बात करेंगे जिसमें दिया गया है द नंबर दैट बी ऑब्टेन ऑन एडिंग द फर्स्ट नेचुरल नंबर टू गिवन नंबर्स इज कॉल्ड नंबर दैट बी ऑब्टेन ऑन एडिंग द फर्स्ट नेचुरल नंबर टू अ गिवन नंबर सक्सीजन। यस इसमें इन्होंने यही आस्क किया, किसी नेचुरल नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आता है वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर का वो सक्सेसर होता है। लेट्स से आप कोई नंबर नेचुरल नंबर 2 है, इसमें 1 ऐड कर दें तो जो नेक्स्ट आएगा 3 वो किसका सक्सेसर होगा, 2 का, 2 का सक्सेसर होगा। ये सक्सेसर ऑफ 2 इज 3। ओके तो ऐसे ही है, इन्होंने आस्क किया था कि प्रेडिसेसर होता है या सक्सेसर होता है, तो बेटा सक्सेसर होता है ये। पॉइंट नंबर S2 की बात कर लें, इसमें द नंबर दैट बी ऑब्टेन ऑन सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट नेचुरल नंबर फ्रॉम गिवन नंबर इज कॉल्ड द प्रेडिसेसर और सक्सेसर। प्रेडिसेसर या प्रेडिसेसर, बेटा प्रेडिसेसर ही कहते हैं उसमें से, अगर माइनस करते हैं नंबर से कि 1 माइनस कर दें और जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आपका प्रेडिसेसर होता है। बात करने पॉइंट नंबर S3 की, स्टेट ट्रू और फॉल्स, द लोवेस्ट नेचुरल नंबर इज 0, इज इट ट्रू और फॉल्स?
फॉल्स, बिकॉज आप जानते हो रोल नंबर, रोल नंबर क्या होता है, वन होता है, बट ये जीरो कह रहे हैं तो फॉल्स होता है. वन अ नेचुरल नंबर दैट कैन बी अ फ्रैक्शन. नो सर. नो सर. आप जानते हो नेचुरल नंबर कंप्यूटर नंबर होता है, ये फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ये भी फॉल्स हो गया. यस सर, फॉल्स. फॉल्स. चलिए, नेचुरल नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग. करेक्ट. नेचुरल नंबर आर यूज्ड फॉर काउंटिंग्स. करेक्ट. Yes, sir, correct. True. Yes. Is it true? Sorry, it is true. Okay. It is true. Yes. There is no predecessor of the natural number one. Natural number one का कोई predecessor नहीं है. Is it true or false? Sir, false. Sir, false. कहाँ? Sir, false. Sir, zeros. जीरो नेचुरल नंबर है. नो सर. नो सर. फॉल्स. 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 नंबर लगा फोन नंबर. स्टेटमेंट ट्रू है. आप फॉल्स लाए जा रहे हैं सब लोग. देयर इज नो प्रेडिसेसर ऑफ द नेचुरल नंबर वन. यस बेटा, नेचुरल नंबर वन का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता. अगर नेचुरल नंबर वन का प्रेडिसेसर की बात करें जीरो आ जाएगा. वन माइनस वन करेंगे. लेकिन ये तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, ये तो होल नंबर होता है. तो होल नंबर थोड़ी ना हमें निकालना, हमें कोई नेचुरल नंबर ही फाइंड करना था. तो ये आपका ट्रू है. कोई वन का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता. yes. ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए हैं. yes, yes, sir. Yes, sir. चले नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. ए वन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज एट, बोथ द नंबर्स आर लेस देन टेन, फाइंड द नंबर्स. द डिफरेंस बिटवीन नाइन माइनस वन. गुड बेटा, करेक्ट है. 100% करेक्ट है. इन्होंने कहा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 8, बोथ द नंबर आर लेस देन 10, फाइंड द नंबर्स. जो नंबर्स हैं इनका डिफरेंस 8 है और दोनों ही नंबर 10 से लेस हैं, भाई क्या क्या हो सकता है? ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं 10 से लेस? 9 माइनस, कौन से ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं जिसका डिफरेंस 8 होगा? तो आप जानते हो जनरल से थिंकिंग है, आप 9 और माइनस इसमें से 1 करेंगे तभी 8 आएगा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता इसके अलावा. 9 और 1 के अलावा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिसका डिफरेंस 8 हो और लेस देन 10 हो. ठीक है? यस सर. यहाँ पे आंसर होगा 9 माइनस 1. फाइंड द नंबर्स. तो 9 एंड 1 क्या हो जाएगा आंसर? 9 एंड 1. 9 एंड 1. 9 माइनस 1 8. पॉइंट नंबर ए टू की बात करें, इसमें राइट द सक्सेसर एंड द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर निकालना बेटा जी बहुत इजी है. बी नंबर की बात कर ले, 999. सक्सेसर मैंने बताया था ना, सक्सेसर निकालने सर 1000 प्लस 1. 1000 प्रेडिसेसर 998. ये सक्सेसर, ये प्रेडिसेसर. ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों का? यस सर. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स आप लोग ट्राई करेंगे. A3 की बात करेंगे जिसमें कर राइट द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 52 एंड 60. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर
between any two natural numbers. बेटा देखिए आपको अगर 52 और 60 के बीच के रैशनल नंबर बताने सॉरी नेचुरल नंबर बताने तो क्या क्या होंगे बताइए पहले बताइए 52 और 60 के बीच के नेचुरल नंबर्स 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 yes, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 कितने कितने इसके बीच में नेचुरल नंबर्स होंगे ये जानने के लिए आपके करेंगे 59 माइनस 52 कर देंगे 7 आ जाएगा एग्जैक्टली 7 नेचुरल नंबर्स होंगे कितने 7 नेचुरल नंबर्स होंगे आपका 53 हो जाएगा 54 हो जाएगा 55 हो जाएगा 56 हो जाएगा 57 हो जाएगा 58 हो जाएगा 59 कितने हो गए 8 हो गया ना नहीं नहीं 53 54 55 56 57 ही होगा 59 8 होगा सॉरी 7 होगा 8 होगा तू इधर से गया होगा 57 नहीं 8 होगा अरे मैंने ये 53 54 55 56 57 58 59 चलो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सही तो है कितने 7 और इन्होंने यस सर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स बेटा कितने नेचुरल नंबर्स होंगे कि नहीं दो नेचुरल नंबर्स के बीच में तो ये जानने के लिए आप क्या करोगे उन दोनों नेचुरल नंबर का डिफरेंस निकालेंगे पहले डिफरेंस निकालो जैसे मान लीजिए 60 और 52 के बीच का डिफरेंस निकालो 8 आएगा फिर उसका प्रेडिसेसर जो डिफरेंस आएगा डिफरेंस का प्रेडिसेसर कितना 8 आ गया 8 का प्रेडिसेसर 7 ठीक है तो आप किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच के नेचुरल नंबर्स फाइंड करने के लिए पहले उनका डिफरेंस और फिर उसमें से माइनस 1 कर देंगे ठीक है yes, sir. तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो गया आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यस सर नो सर ओके तो बेटा आज के लिए क्लास ओवर की जा रही है और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होल नंबर है वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा ठीक है और इससे रिलेटेड जो यहाँ पे यस सर आपका जो एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस किया गया है इसका पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा आप लोगों के पास अगर नहीं होगा बुक ठीक है आप लोग ट्राई करके क्वेश्चन जितने भी है सॉल्व करना और अपना होमवर्क भी सेंड कर देना ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गुड बाय एवरीवन यस सर गुड बाय सर गुड बाय सर गुड बाय बाय बेटा